हेलो दोस्तों, और जैसे ही मैं ये चाहता हूँ कि मैं दूसरे सेल में ना जाऊं, हम इसी सेल में राम के ठीक नीचे कोई नाम लिख पाए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम एंटर करेंगे तो लिख पाएंगे, जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपका कर्सर दूसरे सेल में चला जाता है। तो यहाँ पर हमें इसी सेल में राम के ठीक नीचे कोई दूसरा नाम लिखा है, तो इसे हम कैसे लिख पाएंगे? इसके लिए एक शॉर्टकट बताता हूँ, और वो शॉर्टकट क्या है यहाँ से सुनिएगा। आपको सिंपली ऑल्ट एंटर प्रेस करना है, ऑल्ट एंटर। जैसे ही ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो इसी सेल में राम के ठीक नीचे आ जाएंगे। ये शॉर्टकट है, आप मैनुअल मेथड का भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो फिलहाल जो शॉर्टकट ही बताता हूँ, तो ये देखिए, ये लिखा श्याम, ठीक है। और फिर आपको प्रेस करना है ऑल्ट एंटर। तो जैसे ही ऑल्ट और एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे फिर इसके नीचे आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगला नाम लिख देता हूँ अविनाश, तो ये कुछ इस तरीके से लिख दिया। फिर यहां से ऑल्ट एंटर प्रेस करूंगा तो अब अगला नाम लिखता हूं SWA, तो ये लिख दिया। तो अब आप देखेंगे कि एक ही सेल में ये सारे नाम लिख दिए हैं, ठीक है। और ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।